आगे कमोडिटी मार्केट्स के एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं और IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े, उनसे जानते हैं कि आज कमोडिटी मार्केट्स में किस तरह की स्ट्रेटजी बिल्टअप की जा सकती है। अनुज गुड मॉर्निंग, शुरुआत आज बुलियन मार्केट से कर लेते हैं। हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1680 डॉलर के लेवल्स के आसपास सोने की कीमतों में बढ़त पर कामकाज ग्लोबल मार्केट्स में नजर आ रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट्स में भी एक्शन दिखेगा, बुलियन मार्केट पर आपका अप्रोच क्या है? मानसी जी गुड मॉर्निंग। देखिए कल हमने रुपी यहाँ पे डेप्रिशिएट होते हुए देखा था, उसकी वजह से हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए थे और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल पे खरीदारी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिली है। हालांकि सिल्वर का ट्रेंड गोल्ड के मुकाबले पॉजिटिव है, बट हमें लगता है कि जिस तरीके का बाउंस बैक आया है, एक छोटा शॉर्ट कवरिंग गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड में करीबन 49,600 के आसपास खरीदारी करें, 49,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 50,200 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड का भाव करीबन 1680 डॉलर तक के लेवल को छू सकता है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी करीबन 57,500 के आसपास खरीदारी करें, 56,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 59,000 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में एक रिलीफ रैली यहाँ पर बाउंस बैक की तरफ देखने को मिल सकती है और जिस तरीके से लोअर लेवल्स आए हैं तो फिजिकल डिमांड की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है अनुज, ये बुलियन मार्केट में तो खरीदारी के मौके गोल्ड सिल्वर में इस वक्त 59,000 के लेवल सिल्वर में आप एंटिसिपेट करके चल रहे हो और गोल्ड में भी 50,200 तक के टारगेट्स यहाँ पर 49,300 के स्टॉप लॉसेस के साथ मेंटेन करने की राय आप दे रहे हैं, लेकिन रूस की सप्लाई को लेकर लगातार चिंताएं हैं अनुज, और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल में, एक रेंज में ही कामकाज $90 और बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ, घरेलू बाजार में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए? और देखिए कल भी हमने हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें आता हुआ देखा था, हालांकि $90 पे ही कंसोलिडेट कर रहा है, बट अगर हम एक रेंज देखें तो 87 से लेकर $92 ये रेंज इसने मेंटेन करी है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी मार्केट जो है जब से 7,000 के नीचे आया है तब से एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड हमें लगता है कि सेल ऑन राइज का रहेगा। क्रूड में करीबन 6,900 के आसपास बिकवाली करें, 7,050 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,700 तक हो सकता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा है कि आगे सप्लाईज बढ़ सकती हैं उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, तो क्रूड में बिकवाली का क्या ट्रेड लिया जा सकता है। साइड क्रूड में 6,700 के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। यूएसडी INR पेयर पर, क्योंकि हमने देखा है रुपया निचले स्तर पर, रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़कता हुआ हम देख चुके हैं और इसके अलावा भी बेस मेटल्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल एक्शंस वहां पर नजर आ रहे हैं, क्या कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जिस पर खरीदारी की राय होगी? देखिए बेस मेटल में हमने कल एक रिकवरी आते हुए देखा था लोअर लेवल से, तो यहाँ पे कॉपर में खरीदारी की सलाह रहेगी करीबन 646 में, स्टॉप लॉस 642 का लगाएं, टारगेट 657 तक देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल में कॉपर है जहां पर हमें लगता है कि लोअर लेवल पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। और करेंसी के पैर पर आपने कोई राय नहीं दिया अनुज आपकी? देखिए करेंसी में हमने देखा है कि रुपी 20 साल के लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इवन अगर हम देखें तो सभी मेजर करेंसी, चाहे वो यूरो हो, चाहे GBP हो, चाहे JPY हो, सभी करेंसी अपने लाइफ टाइम लो लेवल के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी रुपी में और डेप्रिसिएशन रहेगा जिस तरह डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, तो रुपया में देखें तो यहाँ पे डॉलर में खरीदारी की सलाह रहेगी करीबन 80-50 में, स्टॉप लॉस 80-30 का लगाएं, टारगेट 81 और 81-50 तक देखने को मिल सकता है, तो USD INR में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर और डेप्रिसिएशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है और USD INR पर प्रॉपर स्ट्रेटजी अनुज की आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शुक्रिया अनुज जी सारी जानकारी के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर अपनी राय और अपने ट्रेडिंग पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।